हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि डिबग F3 बटन MCPE में कैसे यूज़ करें। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए। और फिर मीडिया फायर की एक लिंक है, वो मीडिया फायर की लिंक, तो फिर उसके ऊपर आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन पूछेगा, वो ऑप्शन पूछेगा आपको डाउनलोड का। आपको सिंपली डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जेड आर्ची और नाम का एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके ओपन करना है। फिर डाउनलोड पे जाके यहाँ पे आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर रीनेम करके .zip हटा देना है, सिर्फ .zip हटा देना है। फिर ओके करना है। फिर आपको वापस उसके ऊपर क्लिक करके व्यू के बाजू में एक एरो, उसके ऊपर क्लिक करके माइनक्राफ्ट सिलेक्ट करना है। फिर गाइस, आपका माइनक्राफ्ट ओपन करने के बाद सेटिंग्स में जाने का, उसके बाद ग्लोबल रिसोर्स में जाने के बाद आपको माय पैक्स में जाके एक्टिवेट पैक सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सेटिंग्स ऑफ कर देना है और आपका रिसोर्स पैक लोड होगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और फिर हमें प्ले करना है, क्रिएट न्यू वर्ल्ड करना है। उसके बाद हम वर्ल्ड बना लेते हैं एक। तो गाइज, मैं जो चीज़ें ऑन कर रहा हूँ वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे एक्सपेरिमेंट्स वाली चीज़ें आप ऑन कर सकते हैं आप चाहे तो, और एजुकेशन एडिशन मेन नहीं है। तो हम क्रिएट करते हैं वर्ल्ड। तो गाइस, हमारा वर्ल्ड लोड हो चुका है और जैसे कि आप देख सकते हैं, एक क्लिक करने से आ जाता है F3 वाला बटन, आपको दिख रहा होगा वो सेटिंग वाले बटन के बाजू में। तो आपको जैसे दिख रहा होगा, तो मैं आपको ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ। देखो वो इंक्रीज हो रहा है वहाँ पे 85, 86, 90। अब मैं नीचे जाके दिखाता हूँ, देखो नीचे माइन करके दिखाता हूँ। देखो कम हो रहा है, 66, 59 तक पहुँच गया। देखो अभी बढ़ रहा है वो। तो देखा आपको वर्किंग कैसा लगा ये।